शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील के ग्राम गणेशपुर में शासन की लापरवाही को देखते हुए शासकीय स्कूल बिल्डिंग गिरने का खतरा बच्चों पर मंडरा रहा है। ग्रामीणजनों द्वारा बताया गया कि एकीकृत शाला शासकीय विद्यालय की बिल्डिंग की छत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जिससे बच्चे स्कूल आते हैं। शिक्षक द्वारा भी कई बार शासन को इस बात से अवगत कराया गया है, इसके बाद भी शासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। शासन किसी हादसे का इंतजार कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूल की बिल्डिंग की छत का जीर्णोद्धार नहीं होगा, हम भी बच्चों को स्कूल नहीं पहुँचाएंगे, से हमारे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान की जिम्मेदारी भी शासन की रहेगी। साथ ही बताया गया कि मीडिया के माध्यम से हम प्रशासन से स्कूल बिल्डिंग का जीर्णोद्धार करने की मांग करते हैं। साहब, जब अगले साल बारिश जब हुई थी तब भी हमने आवेदन दिए थे, उस आवेदन की कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ के टीचर वगैरह, उनकी भी कोई गलती नहीं है, मैंने तक भी आवेदन दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। बिल्डिंग आज भी ऐसी कैसी है, अगली बारिश आ चुकी है और पूरी छत क्षतिग्रस्त है, उसके नीचे बच्चे पढ़ते हैं। कल से छत वगैरह टूट जाए तो उससे जिम्मेदार कौन रहेगा? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए है क्या? अगर हमारे गरीब लोगों के बच्चे हैं या इस गाँव के कोई भी बड़े छोटे के बच्चे हैं, उनको कुछ लग जाती है तो उनका तो बच्चा चला गया, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम सरकार से ही आग्रह करेंगे कि हमारे गांव की जल्दी जल्दी बिल्डिंग का छत वो बनाए और हमारे बच्चे सही साइड बिल्डिंग पढ़े, वरना हम किसी को भी स्कूल नहीं पुगाएंगे। यहाँ समस्या बहुत बड़ी है हमारे भी, बस यही कहना चाह रहा हूँ। शाजापुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।